नमस्कार, मैं गौरी वर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की। यहाँ नेहरू महाविद्यालय में IQAC के तत्वाधान में एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। बात करेंगे फिरोजाबाद की। यहाँ 1.5 साल की बच्ची का हत्यारा निकला, उसी का फूफा। बताएंगे कैसे राजस्थान में अवैध आर्म्स एक्ट के अंतर्गत बकानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहाँ शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में IQAC के तत्वावधान में गृह विज्ञान विभाग द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रेखा गुप्ता ने की। उन्होंने अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि तनाव एक अल्पकालिक समस्या या दीर्घकालिक समस्या हो सकती है। इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं और इसके लिए तनाव प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। मुख्य अतिथि डॉक्टर छाया हाडिया, सहायक प्राध्यापक शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन, ने अपने उद्बोधन में सर्वप्रथम तनाव को परिभाषित करते हुए कहा कि तनाव कोई मानसिक रोग नहीं बल्कि मानसिक रोगों का मूल कारण है। इस व्याख्यान कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर प्रतिभा समदरिया और मनीषा दुबे का विशेष योगदान रहा। इस दौरान महाविद्यालयकालीन स्टाफ और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर व्याख्यान का लाभ लिया। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से, जहां एक 1.5 वर्षीय बच्ची का शव नाली में पड़ा मिला। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए सफल अनावरण किया, टीमों को गठित किया। इस आधार पर 1.5 वर्षीय बच्ची का कत्ल करने वाला उसका सगा फूफा ही निकला, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद अभियुक्त गुलफाम के पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल और अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। देखिए, 31 तारीख को शाम में 7 बजे कटरामीर मोहल्ले के दर्जी वाली गली से एक बच्ची कहीं चली गई थी। उसकी सूचना पर तत्काल वहां मौके पर SHO और सब लोग गए थे। वहां छानबीन की गई, वहां पे फुटेज वगैरह देखे गए। फुटेज में जो बच्ची गायब हुई थी, उसका अपना सगा फूफा जिसका नाम गुलफाम है, वो उसको वहाँ से ले जाता हुआ दिखा था। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल उसमें परिवारजनों से तहरीर ली और उसके बाद अभियोग पंजीकृत किया और गुलफाम को तत्काल हिरासत में लेके पूछताछ की गई। और गहराई से पूछताछ करने पर पता चला कि इसने उस बच्ची को ले जा कर के पंजाबी मोहल्ले में उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद वहाँ से ये फरार हो गया था। और उसने ये बताया कि उसके परिवारजनों से इसका कुछ विवाद था, उसी के चलते उसने ये कृत्य को किया है। हम लोगों ने आज उसे पूछताछ करने के बाद, जब उसे जो आला कत्ल है उसकी बरामदगी वगैरह के लिए और बाकी जो उसके पास जो भी सामान थे उसकी बरामदगी के लिए आज हम लोग उसको भूड़ा नहर पे लाए थे। यहाँ पे अभी जहाँ हम लोग मौजूद हैं, इस जगह पे इसने तमंचे छिपा रखा था और जो इसके कपड़े उस समय जो ब्लड लग गए थे उसको सभी को यहाँ छिपाया हुआ था। हम लोग यहाँ उसे रिकवरी कराने के लिए जब आए उसकी निशानदेही पे, तो उसने तमंचा निकाल के हमारी पुलिस की टीम पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई है, उसमें वो घायल हुआ है। उसको तत्काल हम लोगों ने यहाँ से हॉस्पिटल भेजा है और पूछताछ की गई है। उसने अपनी सारी घटना पहले जो बताया था वही उसको कबूल भी किया है और इसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जसपुर से, जहां कुनकुरी से बड़ी खबर सामने निकल कर आई। जहां तेज आंधी तूफान और झमाझम बारिश में NH 43 पर सराय का पेड़ गिर पड़ा। वहीं NH 43 सड़क जाम हो गई। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रहे 3 बाइक सवार पेड़ से टकरा गए और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक को ईशा क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। सब इंस्पेक्टर खेमराज ठाकुर ने बताया कि जल्द ही सड़क खोल दी जाएगी। कुनकुरी के NH 43 मुख्य मार्ग महेश होटल के सामने की ये घटना बताई जा रही है। जसपुर से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां मुंबई से सटे वसई में कई प्लास्टिक के गोदामों में भीषण आग लग गई और करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। बता दें कि पालघर जिले के वसई फाटा रिसर्च कंपाउंड में रविवार की शाम लगभग 7 बजे अज्ञात कारणों से प्लास्टिक गोदामों में भयंकर आग लग गई, जिससे कई गोदाम वालों का सारा माल जलकर खाक हो गया। आग की लंबी लंबी लपटें देखकर सहमे लोग, आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गैस सिलेंडर और जरूरी सामान घर से बाहर निकाल कर लोग भागते हुए नजर आए।
मौके पर पहुंची महानगर पालिका की 3 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लग गई, लेकिन पानी खत्म होने की वजह से घंटों तक का उन्हें भी इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मुंबई से सीनियर संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बकानी से, जहां अवैध आर्म्स के अंतर्गत बकानी पुलिस की बड़ी कार्यवाही नजर आई, जहां 2 व्यक्तियों को अलग अलग मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मुजलिमों के कब्जे से 2 अवैध हथियार बरामद कर 38 पुलिस एक्ट में 3 मोटरसाइकिल और 1 ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। बकानी में जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने अवगत कराया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवी गांव में तवर समाज के कंवरलाल फूलचंद और मोहनलाल जगदीश तवर के सरकारी भूमि पर आपसी कब्जे और अतिक्रमण को लेकर कई वर्षों से आपसी विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। राजस्थान के बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।